वेलकम टू द नरेश फीड ब्लॉग्स चैनल। आज मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ, एक्साइटेड। सो जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो आप मिस नहीं करिएगा प्लीज़। और आज की कविता सुनिए। थैंक यू। यह कविता जैसे पूस की रात होती है और गांव का इलाका है, घनघोर अंधेरी रात है और कोई व्यक्ति गांव से घर से दूर गया था सुबह को। अब उसे वापस आना है, उसे किसी तरह से कोई वाहन नहीं मिल पाया है या कोई सवारी नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से वो पैदल चलना पड़ा है और घनघोर अंधेरा है। उसी वाक्य को आज कविता के इस पंक्तियों के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ कि क्या भावनाओं, क्या उसके मन में था, जो विचार आए और वो कहना चाह रहा है। तो सुनिए। घना अंधेरा सर सर करती तेज हवाएं, घना अंधेरा सर सर करती तेज हवाएं, डराने वाली वो भूतिया आवाजें। घना अंधेरा सर सर करती तेज हवाएं, डराने वाली वो भूतिया आवाजें। ना कोई दोस्त ना कोई भाई, मैंने मन ही मन माँ को आवाज लगाई। तो माँ को आवाज लगाई, जब डरता है इंसान तो भगवान को या फिर माँ को याद करता है, तो मैंने माँ को याद लगाई। उसके अंदर जोश आया न जाने कैसे और कहाँ से, जोश आया न जाने कैसे और कहाँ से, मैं सरपट सरपट दौड़ने लगा वहाँ से। गिरते संभलते पहुँचा गांव की गलियों में, गिरते संभलते अब डरने लग गया, तो जैसे फिर से अब डरते क्योंकि इधर उधर से भूतियाँ मतलब कुछ भी आवाज़ें आ रही हैं, तो वो डरते डरते गांव की गलियों में पहुँच गया। गिरते संभलते पहुँचा गांव की गलियों में, भौं भौं के शोर ने रोक सा दिया उन्हीं गलियों में, भौं भौं के शोर ने रोक सा दिया उन्हीं गलियों में। हिम्मत दिखाई मैं चिल्लाया, सभी कुत्तों को वहां से भगाया। सपोर्ट देने की कृपा कीजिएगा प्लीज़। धन्यवाद। नमस्कार।